नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया से रिलेटेड फ्लाइट का मैटर। भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सऊदी की न्यूज़ है, सिर्फ फ्लाइट और फ्लाइट से रिलेटेड हम बात करेंगे। अभी 15 तारीख से लगभग न्यूज़ चली रही है फ्लाइट से रिलेटेड, लेकिन अभी भी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं फ्लाइटें चालू हो गई, काफ़ी सारे बोलते हैं नहीं चली, कोई बोलता है 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बातें साफ की थी, लेकिन अभी भी कुछ बातें और हैं जो आज और कल की डेट में निकल के आई हैं। वो वीडियो मैंने परसों का बनाया हुआ था, कल उसको डाला था, लेकिन 2 दिन में कुछ और अपडेट आई है। कल मेरे साथ एक वाकया हुआ सऊदी फ्लाइट से रिलेटेड, उसमें कुछ सऊदी का जो जैसे इंडिया में DGCA डिपार्टमेंट है एक अलग से, जो वहाँ के डिपार्टमेंट गागा के जो प्रवक्ता हैं इब्राहिम अल रहीसा, जी हाँ, उन्होंने भी कुछ फ्लाइट से रिलेटेड कुछ नियम जारी किए हैं, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। और कौन लोग जा सकते हैं, फ्लाइट का माजरा क्या है, ऑनलाइन फ्लाइट शो नहीं कर रही है, लोग बोल रहे हैं फ्लाइटें जा रही हैं, कौन लोग जाएंगे, जिनके अखामा एक्सपायर हो गए उनका क्या होगा, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं बता दूं भाई, देखिए आपको पता है 15 सितंबर से सऊदी गवर्नमेंट ने फ्लाइटों का ऐलान कर दिया था, आपको पता है, लेकिन उनकी लिस्ट में देखा जाए, इंडिया की लिस्ट में देखा जाए तो सऊदी का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नाम नहीं आ रहा है कि भाई सऊदी के लिए फ्लाइटें चालू हैं। ठीक है, दूसरी बात, लोग बोल रहे हैं फ्लाइटें चालू हैं, कल की डेट की मैं वाकया बता दूं, किसी बंदे ने क्वेश्चन कर लिया गागा को कि भाई कौन एयरलाइंस को कि भाई कौन आदमी, जैसे बच्चों का भी कोविड टेस्ट करवाना जरूरी है, तो जैसे दुबई वगैरह में 9 साल का 10 साल का ऐसा ऑप्शन है कि भाई उनका टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन सऊदी में इसमें कटौती करते हुए 6 साल किया है। जी हाँ, 6 साल का बच्चा अगर आपके साथ जा रहा है सऊदी अरबिया तो उसका कोविड टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ आप लोगों को कोविड टेस्ट करवाना, साथ में नेगेटिव प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है, सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं होगा बाई चांस आप चले जाते हो तो भैया आपको एयरपोर्ट से रिटर्न आना पड़ सकता है, ये वहाँ की गवर्नमेंट ने साफ साफ ऐलान किया। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोविड टेस्ट की रिपोर्ट, हालांकि ये नॉर्मली ये सब कंट्रियाँ मांगती हैं, बाकी 6 साल का बच्चा साथ है तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में सरकार ने यह भी बोला है, भाई गागा की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें यह बोला है कि जो आदमी विदेशी आदमी इंडिया में आता है, विदेशी आदमी सऊदी अरबिया में आता है, तो उसको 3 दिन कम से कम अपने होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, यानी अपने घर पे 3 दिन, वो जैसे ही गया उसके बाद वो बाहर नहीं निकलेगा, 3 दिन उसको अपने घर पे रहना पड़ेगा, ऐसा निर्देश दिया गया है। तो 3 अपडेट। अब बात कर लेते हैं फ्लाइट का माजरा क्या है, क्योंकि देखिए मैं बता दूं, इंडिया के जो एयर बबल्स हैं वो 13 कंट्री के साथ हैं, यानी 13 कंट्रीज के साथ में एयर बबल्स का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें सऊदी अरबिया का नाम नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और सऊदी अरबिया ने खास तौर से उन लोगों को तवज्जो ज़्यादा दी है जो टीचर्स हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर मान लीजिए कोई एडवोकेट्स हैं या फिर जस्टिस हैं, यानी इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनको तो पहले ही सरकार ने घोषणा कर दी थी कि वो लोग फ्लाइट के द्वारा आ सकते हैं। अब आगे बता दें कि बहुत सारे वंदे भारत 6 में देखिए बहुत सारी फ्लाइटों का शेड्यूल दिखा रखा है इंडिया से सऊदीया के लिए, लेकिन जब आप टिकट बुक करोगे तो वो टिकट बुक नहीं होगी, लेकिन वो फ्लाइटें कैसे दिखा रखी है वो अंदाजन दिखा देते हैं या फिर क्या सिस्टम है भैया, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। बाकी वो फ्लाइटें आगे चले आपको आप टिकट बुक करवाने की सोचते हो तो नहीं हो पाती है, लेकिन मैं बता दूं 24 तारीख की फ़्लाइट है। जी हाँ साथियों, 24 तारीख की दिल्ली से सऊदीया के लिए फ़्लाइट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने भी, मेरे पास भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आप ऑनलाइन टिकट बुक करोगे तो ऑनलाइन आपको टिकट बुक नहीं होगी। मैं बता दूं इस सितंबर में टिकट बुक नहीं हो रही है, जी हाँ, ऑनलाइन टिकट आपको नहीं मिलेगी, ये मुझे जहाँ तक लग रहा ऑफलाइन सिस्टम है, क्योंकि जो फ्लाइटें हैं लिमिटेड हैं, ज़्यादा फ्लाइटें नहीं हैं, कुछ फ्लाइटें हैं, हो सकता है 10, 15, 20 जितनी भी फ्लाइटें हैं उतनी हैं। हाँ, हो सकता है अक्टूबर में फ्लाइटें रूटीन में स्टार्ट हो जाएं, एयर बबल्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल फ्लाइटें तो भैया 10 जनवरी से पहले भूल जाओ, नॉर्मल फ्लाइटें स्टार्ट नहीं होने वाली, लेकिन एयर बबल्स के अकॉर्डिंग ये फ्लाइटें स्टार्ट हो सकती हैं अक्टूबर में, अगले महीने में, ठीक है। लेकिन अभी अगर सितंबर की बात करें, बहुत सारे लोगों के सितंबर में अखामा एक्सपायर हो रहे हैं, हालांकि सरकार ने 3 बार अखामा की डेट बढ़ा चुकी है, आपको सबको पता ही, आप लोगों की बड़ी होगी डेट, 3 बार अखामा की डेट बढ़ चुकी है। अभी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या अखामा अभी आगे सरकार नहीं बढ़ाएगी, क्या अभी जो एक्सपायर होंगे वो एक्सपायर ही रह जाएंगे, फिर वो सऊदी नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि
आपको पता है कि सऊदी के कितने वर्कर हैं जो इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान की हालांकि फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं तो वो तो पहुंच जाएंगे, आप लोगों की इंडियन लोगों की प्रॉब्लम है। तो तीन बार अगर सरकार ने बढ़ाया है भैया खामा, तो गारंटेड बात है आपका एग्जिट आगे भी बढ़ेगा, उसमें टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अपने कफील से कंपनी से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, अभी आप जाना चाह रहे हैं खामा कैंसिल हो गया, बाई चांस नहीं आपका एक्सटेंड हुआ है तो हो जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बता दूं, अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि टिकट अगर आप बुक कर रहे हैं तो टिकट आप अपने मोबाइल से बुक करोगे नहीं होगी। मैंने भी खुद ट्राई किया था, 3-4 तक कोई फ्लाइट शो नहीं कर रही है, अपने मोबाइल से आप बुक करोगे तो नॉट अवेलेबल दिखा रहा है सर्विस। लेकिन आप कोई एजेंसी के द्वारा ऑथराइज एजेंसी हैं उसमें जाके आप टिकट बुक करते हो। कल मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, मेरे रिश्तेदार हैं वो सऊदी अरबिया जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई सिटी में जाके मुझे कॉल किया तो बंदे ने पता टिकट का कितना पैसा बताया। एक बात हमेशा ध्यान रखिए भाई, एजेंटों को जो टिकटों के एजेंट हैं उनको पता है कि सऊदीया की सबसे कम फ्लाइटें हैं और वो मौका मारने की सोच रहे हैं, मौके पे चौका, यानी इतना ज़्यादा मार्जिन बता रहे हैं कि सोच नहीं सकते। टिकट का दाम बताया 37,000 रुपये दिल्ली से दमाम के लिए। जी हाँ, दिल्ली से दमाम का कितना पैसा बताया, 37,000 रुपये। मेरे से अचानक से उन्होंने बात कर ली कि 37,000 बता रहे हैं टिकट बनवा लूँ। मैंने उनको बोला आप एक काम करें, मैंने किसी का नाम लिया कि आप वहाँ जाके ट्राई करें, तो उन्होंने बताया 32,000 रुपये टिकट का, यानी एक टिकट में 5,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। क्या 32,000 कमाने वाला अपनी जेब से पैसा दे रहा है क्या, 37,000 कमाने क्या क्या माजरा है ये, 32,000 रुपये में जो टिकट बना रहा है वो भी 1,500 उसमें कमाएगा पक्का। एक आदमी एक टिकट में 7,000 रुपये कमाने का सोच रहा है, जबकि वो आदमी निजी पर्सन है, जानकार है, काफ़ी टाइम से उनसे टिकट बनाए जा रहे हैं। मैं भी उस बंदे को जानता हूँ, एक तरह से गांव का पड़ोसी मान लीजिए। लेकिन आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताता हूँ कि भाई नुकसान हमेशा कौन देता है, जो अपना निजी होता है वही नुकसान देता है, क्योंकि हम उस पर आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, यार इससे तो ये, अरे ये तो अपना निजी है, बना दे भाई टिकट, यानी पैसा देते देते उससे वापस ले लिए, 5,000 रुपये का फायदा हो गया। तो आपको भी ये बात ध्यान में रखनी है भैया, फिर उनको समझ में आ गया कि यार ये निजी आदमी, इनसे हम आज इतने सालों से पूरा गांव उनसे टिकट बनवा रहा है, गांव का जस्ट पड़ोसी है, तब उनकी आंखें खुली तो पता लगा। तो फिर 5-6 जगह उन्होंने ट्राई करी तो 32-33 हज़ार रुपये की टिकट सब लोग बता रहे थे, और 24 तारीख की टिकट बता रहे थे दिल्ली से दमाम के लिए सऊदी अरबिया के लिए। जी हाँ, पैसे उन्होंने दे दिए, उन्होंने ये बताया कि भाई जैसे 24 तारीख की टिकट है तो हम आपको 20 या 21 तारीख को टिकट देंगे, क्योंकि वो कन्फर्म 20 या 21 तारीख को हो जाएगी कि वो टिकट कैंसिल होनी है या वो टिकट बन जानी है। तो आप अगर किसी से भी आप टिकट बनवा रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई ये पैसे, अगर बोलता है कि भाई ये पैसे पकड़ जब टिकट फाइनल हो जाए हमें बता देना, पैसे भरोसे वाले बंदे को देने हैं, कहीं पता लगे पैसे लेके बोले टिकट के गए पैसे, टिकट भी नहीं बनी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 7 जगह पूछे, क्योंकि सऊदीया की फ्लाइट कम है इसलिए वो मोटा मार्जिन मोटा पैसा कमाने की सोच रहे हैं, जो टिकट बनाने वाले एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये माजरा देखा है मैंने, एक टिकट पे 7,000 रुपये कमीशन, जबकि बोलते क्या है हमें तो 500-700 बचता है यार, हमें क्या बचता टिकट में। जब उसकी आंखें खुली तो उसने माफी मांगने लग गया। मैं बोला बोलो उसको आप कि क्या है ये, तू तो निजी है, तू तो इतना पैसा ले रहा है, मेरी गलती हो गई, आप अशोक जी को मत बताना, वगैरह वगैरह होता ही है। फिर भी उन्होंने उनसे टिकट, मैं तो बोलो इन ऐसे लोगों से दोबारा टिकट ही नहीं बनानी चाहिए। बहुत से में जो निजी पर्सन होते हैं हम उस पर विश्वास करके पैसा पकड़ा देते हैं, वो लोग हमें काटने की सोचते हैं, क्या जरूरत है दोबारा उन लोगों के पास जाने की। कम से कम 5 जगह ट्राई करें भाई, पैसा लेता अगला फोकट में नहीं देता टिकट, ठीक है ना, 5 जगह ट्राई करें, 500 का भी डिफरेंस कम ले रहा है ना, 500 उनसे टिकट बनवाएं आप, कोई ज़रूरत नहीं है इन जैसे बेवकूफ़ लोगों की जो इतना निजी पर्सन के साथ ऐसा चीटिंग करके मोटा पैसा कमाने की सोच रहे हैं। तो दिल्ली से टिकट बता रहे हैं भैया, बता दूं 24 तारीख की दोपहर की टिकट है 1:30 बजे की, ये भी नोट कर लें, टाइम भी फाइनल है, लेकिन वो टिकट 20 या 21 तारीख को बना के हाथ में देंगे, क्योंकि उससे पहले वो देखते हैं, सिस्टम देखना होता है कि भाई पूरी फुल हो रही हैं सीटें, क्या चक्कर है, इस तरह से कुछ उनका है, क्योंकि फ्लाइटें अभी अलाउंस नहीं हुआ ना गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो चार्टर फ्लाइटों का व्यवस्था है कैसे है वो इतना तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन टिकटें हैं बहुत कम हैं, जाने वाले ज़्यादा हैं, इस चक्कर में टिकटें ब्लैक में बिकने की संभावना है, सऊदी अरबिया वाले खास तौर से ध्यान दे लें। बाकी जैसे कोई और कोई अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।